गाइस हमारा चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा था, ये स्टेज वन पर हम ये क्लास नाइन्थ का है। ओके, क्लास नाइन्थ में जो सेलिना कौन सा इस बुक है हमारी, इसकी बैक साइड में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन गिवन किया है। इसके जो स्टेज वन इसको किया था हमने, रेशनल नंबर को, इसके पार्ट्स हमने किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हमने एक्सपेंशन किया था लास्ट वीडियो में अपनी। आज हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, सेलिना कौन सा इस बुक है हमारी क्लास नाइन। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, इसकी कंप्लीट फुल वीडियो लेक्चर भी हमने अपलोड किया हुआ है, जिसके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। अगर आप उसको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 41 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 फैक्टराइजेशन का ये हमारा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 में फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 41 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है कि इनको फैक्टराइज करना है। अब देखो, फैक्टर किसको बोलते हैं हम, सिंपल फैक्टर हम किसको बोलते हैं। ओके, तो फैक्टर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा होगा, जब आप फिफ्थ सिक्स क्लास में आते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप से हम करते हैं। तो इसके कुछ फैक्टर्स मिलते हैं, मतलब इसको ब्रेक करके कुछ वैल्यूज मिलती हैं, ये वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करती हैं। तो फैक्टर हम उस वैल्यू को कहते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं जो उस बड़ी वैल्यू को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा हो। जैसे ये यहाँ पर 2, 2, 2, 3, ये सब इसके फैक्टर हैं, किसके, 12 के। वैसे 12 के फैक्टर हमारे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3, 2, 6 भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकते हैं। तो वो वैल्यू जो उसे कम्प्लीट डिवाइड कर दे उसके हम उसका फैक्टर कहते हैं। और फैक्टर कभी भी जब किसी को फैक्टर में लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, ब्रेक करके लिखते हैं, इस टाइप से ब्रेक करके लिख सकते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई साइन होता है। तो अगर हम इस किसी वैल्यू को ब्रेक करके लिखे, उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन आए, तो हम कह देते हैं कि इसके फैक्टर्स हो गए। जैसे यहाँ पर इसके फैक्टर है, और ये जो फैक्टर होता है ये बड़ी वैल्यू को कम्प्लीट डिवाइड करता है। जैसे अब इसमें हम इसके फैक्टर करने हैं सबसे पहले हमें। तो देखो, अभी आपको ये वैल्यू जो दिख रही है इसमें आपको क्या मिल रहा है, प्लस माइनस साइन मिल रहा है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे अरेंज कर दो कि ये सभी हमारे क्या हो जाएं, मल्टीप्लाई में आ जाएं, इसके सभी वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएं। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन हटकर यहाँ मल्टीप्लाई में साइन होते तो ये इसके फैक्टर हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास में ये नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, तो फिर हम देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं कि सबसे पहले कॉमन देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि जब हमने चैप्टर ये किया था कंप्लीट चैप्टर, तो उसमें सबसे पहले हमने आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें यही बताया था कि सबसे पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन नहीं आ रहा तो फिर क्या करते हैं इसमें, फिर देखते हैं कोई आइडेंटिटी यूज़ तो नहीं हो रही, और मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिटी यूज़ होती है हमारी ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। देखो, ये इस वैल्यू को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ये दोनों इसके फैक्टर हैं कि ये इसे कंप्लीट डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसमें भी कुछ देखेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखो, जब कभी भी आपको स्क्वायर वाली वैल्यू मिले और फिर उसके साथ में आपको देखो 2bc मिल रहा है यहाँ पर, ये 2bc, तो ये ऐसा कब होगा, ये ऐसा कब होगा जब हमारे पास देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, इस चीज़ को समझेंगे हम कि ए की जगह बी है, बी की जगह सी है, तो हम इसे कहेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे कहेंगे हम बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो bc तो आएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसा किया हमने इसे और इसको यहाँ पर ए स्क्वायर को यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया, लेकिन अभी भी क्या इसके फैक्टर में आ गए, नहीं अभी ये फैक्टर में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये फैक्टर हो जाते, फिर हम इसे यहीं छोड़ देते। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके और भी इसमें देखेंगे क्या कुछ अदर वैल्यूज हो रही हो। तो जब कभी भी दो वैल्यू पर स्क्वायर और बीच में माइनस साइन हो, हमेशा क्या लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ए की वैल्यू कंप्लीट बी प्लस सी होगी, ये कंप्लीट ए की वैल्यू और ये कंप्लीट बी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू, बी की। तो हम इसे करेंगे अगर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी, तो ए लिखा हमने, फिर प्लस लगाया, फिर ये बी, फिर ब्रैकेट में बी, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी करेंगे, ए की वैल्यू हो गई बी प्लस सी। ओके, इस चीज़ को समझेंगे कि इस पूरे को हमने ए लेट किया है और माइनस बी की वैल्यू ए है, तो ये हो गए इसके फैक्टर हमारे। तो यही करना था, बिल्कुल सिंपल सा है ये तो हमारा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट हमारा, तो इस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। ऐसे ही हम आगे करेंगे इसमें क्वेश्चन, जैसे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम, इसके सेकेंड पार्ट में क्या गिवन किया है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी।
सेकेंड पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी ए स्क्वायर, फिर क्या गिवन किया है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस टू बी सी, ये गिवन किया है हमें। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो बी सी है यहाँ पर, बी सी है बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो टू बी सी, बी सी यहाँ पर आ रहा है, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर भी हमारे पास, लेकिन b और c के साथ प्लस साइन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी क्या होता है हमारा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव ही होती है, इनके साथ तो हमेशा प्लस साइन ही होता है, बस माइनस टू ए बी यहाँ आ जाता है माइनस साइन टू ए बी के साथ। इसमें देखो माइनस साइन इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन इनके साथ प्लस साइन होना चाहिए कंपलसरी, इनके साथ प्लस साइन होना चाहिए, इसके साथ माइनस भी हो सकता है प्लस भी, क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड करती है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, कि अगर ये टू ए बी वाली वैल्यू प्लस की है तो प्लस का होल स्क्वायर बनता है, और टू ए बी वाली वैल्यू माइनस की है तो माइनस का होल स्क्वायर बनता है। तो इसी को देखते हुए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे ऊपर वाला हुआ, लेकिन हम इसमें से क्या लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे इन तीनों में से, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और टू बी सी में से माइनस साइन कॉमन, और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, सी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो यही वैल्यू आएगी, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि अगर आपको कभी भी साइन चेंज करनी है तो माइनस साइन बाहर लगाओ, ब्रैकेट लगा दो और सभी के साइन चेंज कर दो, जो माइनस की वैल्यू उसको प्लस कर दो, जो प्लस की है उसको माइनस कर दो, क्योंकि अगर आप इसको अंदर माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हो तो इसको ये लिख सकते हो, तो इसको अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये लिख दिया हमने। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस इसको क्या करेंगे, बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आ रहा है, तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो बस हमने क्या किया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें फिर अगेन हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते टाइम इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या देखो, जब हम करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बी की वैल्यू यही आएगी बी माइनस सी, लेकिन जब हम करेंगे ए माइनस बी, देखो यहाँ हमने माइनस साइन लगाया और फिर हम ये वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं, और अगर आपने ये साइन ऐसे लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप बाहर माइनस साइन ले रहे हैं इसके हम, क्योंकि देखो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अगर हम इसे बी माइनस ए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी, इस टाइप से लिख रहे हैं, तो माइनस साइन जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते, क्या लिखेंगे, ए ये माइनस का बी हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का बी है, तो माइनस प्लस माइनस का, और माइनस माइनस ये प्लस का सी हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले के साइन चेंज कर देगा, तो इसमें मिस्टेक कर देते हैं मोस्टली बच्चे, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम, और क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल हमारा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, सिंपल। ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखेंगे अब हम, तो थर्ड पार्ट में करते हैं इसे, ए प्लस टू बी प्लस ए क्यू प्लस एट बी क्यू। अब देखो इसमें क्यू वाला कुछ मैटर फंस रहा है यहाँ पर, ए प्लस टू बी और फिर प्लस ए क्यू, तो इन चीज़ों के लिए आपको आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। आइडेंटिटी सभी आपको आनी चाहिए, ओके, आइडेंटिटी मैंने सभी आपको कराई भी हैं, और अगर आपको याद नहीं आ रही हैं तो उनको भी हम दोबारा से लिख देते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले ये दोनों हो गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर ए माइनस बी ये वाली हो गई, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या हो गई हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गई, एक ये तीनों लिख लिया आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, प्लस वाले में सभी प्लस, और फिर अगर आती है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हम क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, और ब्रैकेट में ए माइनस बी, माइनस वाले में सभी माइनस। लेकिन अब इनसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा आइडेंटिटी ये वाली है जो फैक्टराइजेशन में यूज़ होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अलग आइडेंटिटी है। ये क्या होती है, इसमें एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी आता है, ओके, यहाँ पर देखो दो ब्रैकेट होते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ये ब्रैकेट है, ए प्लस बी आता है, और फिर यहाँ करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ माइनस ए बी करते हैं और प्लस बी स्क्वायर,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पर माइनस आता है और सभी जगह प्लस आएगा, ओके। लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले वाले फैक्टर में सिर्फ माइनस आता है और सभी जगह पर प्लस होता है, और सभी जगह पर प्लस होता है, यहाँ पर भी प्लस होता है, ए प्लस बी और ए प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसके लिए तो इन आइडेंटिटी को याद करने के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो इनके हम डेरिवेशन की भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर देंगे, जिसमें आप इजीली कर पाओगे कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं आइडेंटिटीज़ को, अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे इन्हें ड्राइव कर सकते हैं। तो उस पर भी हम एक अलग लेक्चर लेके आएंगे, जिसको आप देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई लगने लगेंगे आपको बिजली कि मोस्टली आप आइडेंटिटी को याद रख पाओगे, और याद भी नहीं रहती है आपको तो आप उनको बनाओगे, अपने आप से बना सकते हो आप, ओके। तो अब हम इसमें यहाँ यूज़ करेंगे, देखो ए क्यूब ई क्यूब इस तरह का कुछ दिख रहा है हमें, क्या ये ए प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है? ए प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है? नहीं बन सकता। ए का क्यूब बी का क्यूब टू ए बी थ्री ए बी कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा। तो अब इसमें ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ए प्लस टू बी है, और यहाँ पर भी ए प्लस टू बी कुछ बन रहा है ऐसा ही, कैसे देखो ए प्लस टू बी यहाँ पर तो है ही ऑलरेडी, ब्रैकेट में रख सकते हैं इसे, प्लस इसको लिख सकते हैं ए क्यूब, और प्लस इसको लिख सकते हैं टू बी का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम टू बी का होल क्यूब, क्योंकि टू बी का होल क्यूब करोगे एट बी क्यूब आएगा। अब इसमें आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो ए क्यूब प्लस टू बी क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी, ये वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पर तो यही रहेगा हमारा ए प्लस टू बी, प्लस यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए और टू बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए बी आएगा, प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, टू बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, फोर बी स्क्वायर। इस चीज़ को समझ रहे हो ना आप, टू बी का स्क्वायर करेंगे अगर हम, टू बी का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो बी का टू का स्क्वायर फोर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, ओके। अब इन दोनों में ए प्लस टू बी और ए प्लस टू बी कॉमन है, क्योंकि अभी भी इसके कंप्लीट फैक्टर नहीं हुए क्योंकि बीच में प्लस साइन आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस टू बी कॉमन लेंगे, और ए प्लस टू बी कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो वन ले सकते हैं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, उसका गॉड होता है। तो यहाँ पर वन प्लस ये वाली वैल्यू हमने कॉमन ही ले ली, यहाँ पर बचेगा ये वाला फैक्टर पूरा, और इसके बाहर अगर माइनस साइन होता तो इसके साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं करेंगे हम, तो इस चीज़ का भी खासा ध्यान रखना है आपको, ये हो जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे सिंपल। तो इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं, क्वेश्चन ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ए प्लस टू बी वन प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फोर बी स्क्वायर, सिंपल हो गया ये हमारा थर्ड पार्ट। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, अब हम इसमें फोर्थ पार्ट में क्या गिवन किया, एक्स स्क्वायर माइनस एट अपॉन एक्स, फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एट अपॉन एक्स, कैसे कर सकते हैं इसे, अगर इसे हम देखें इसमें तो एक्स स्क्वायर बन रहा है, इसमें तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा, तो इसमें अगर स्क्वायर बन नहीं रहा तो इसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी भी नहीं लगा सकते, ए प्लस बी ए माइनस बी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम इसमें एलसीएम ले लें, इसमें अगर हम क्या कर लें एलसीएम ले लें, क्या होगा हमारा, अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, एक्स क्यूब और माइनस एट। अब इस वन अपॉन एक्स को ऐसे रहने दो, ये वन अपॉन एक्स ही तो है, और ये जो है हमारा एक्स क्यूब माइनस इसे टू का क्यूब लिख लो, तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको लिखवा दिया, ये आइडेंटिटी होती है इसकी हमारी। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब एक्स की और टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स, और प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर, ये हो जाएगा हमारा, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंपल इसका फोर्थ पार्ट हमारा। इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे अब हम, फिफ्थ पार्ट है हमारा ए माइनस थ्री बी प्लस ए क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यू, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, थर्ड वाले के जैसा, देखो इसी के जैसा है ना बिल्कुल। अगर हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें तो ए क्या है हमारा, ए माइनस थ्री बी, ए माइनस थ्री बी और फिर प्लस ए क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन, ए क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यू, ए क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यू, ये है हमारे पास। अब अगर हम इसे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए माइनस थ्री बी प्लस इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं हम, और इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यू, ए का क्यूब है ये, और ये माइनस इसे लिख सकते हैं थ्री बी का होल क्यूब।
देखो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हो गया ए माइनस थ्री बी, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये होती है हमारी, तो इसे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस थ्री बी, यहाँ पर इस तरीके से इम्प्लाई का साइन लगाएंगे हम, प्लस यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, मतलब थ्री थ्री जो 9 बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए माइनस बी कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी और प्लस 9 बी स्क्वायर। ओके ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, हमारा इसका फोर्थ फिफ्थ पार्ट, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है इसका ये। ओके तो सिंपल ही था ये भी हमारा, इस टाइप से इसे भी हम कर सकते हैं इजीली। ओके तो अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है इसमें, देखो सिक्स्थ पार्ट यहाँ पर गिवन किया है हमें। सिक्स्थ पार्ट में है कि ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी और माइनस बी स्क्वायर, ये गिवन किया है हमें। ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी और माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं कुछ, ए स्क्वायर और बी सी में से कुछ कॉमन है नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर और माइनस ए सी में से ए कॉमन है, और क्या बच जाएगा अगर हमने ए कॉमन ले लिया तो ए माइनस सी बचेगा, और यहाँ से बी कॉमन ले लिया हमने तो बचेगा सी माइनस बी। तो फिर क्या किसका कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इन दोनों में से कॉमन लिया ए, मान लेते हैं हमने इन दोनों का इक्वल रखा एक साथ लिया, और इन दोनों में से कॉमन ले लिया ए, तो बचेगा ए और यहाँ बचेगा सी, ए माइनस सी बचेगा, और इन दोनों में से लिया बी कॉमन तो यहाँ बस सी माइनस बी बचेगा, तो इसमें से हमारा कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी एक साथ ना लेकर हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ लेंगे, और ये जो बी सी और ये ए सी है इन दोनों को एक साथ। अब देखो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, प्लस यहाँ से अगर हम क्या कॉमन लें सी कॉमन लें तो आएगा यहाँ पर हमारा, अगर हम यहाँ से दोनों से सी कॉमन लें तो आएगा हमारा क्या बी माइनस ए, लेकिन क्या बी माइनस ए इनमें से कहीं है, नहीं है, ए माइनस बी तो है बी माइनस ए नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ सी, और इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, क्योंकि अगर हम माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। कोई भी आप नेक्स्ट स्टेप करते हो ना उससे पहले वाली स्टेप आनी चाहिए तो आपका करेक्ट है, वरना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। अब ए माइनस बी दोनों में से कॉमन लेंगे, ए माइनस बी किन दोनों में से कॉमन लेने, तो इस वाले पार्ट में से और एक इस वाले पार्ट में से कॉमन उन वैल्यू में से लेते हैं जो हमारे प्लस माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। इसका मीन्स ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, इन दोनों टर्म में से हमने ए माइनस बी कॉमन लिया है, तो इसके पास क्या बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या बचेगा सी। तो सिंपल ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ हो गया, इसका सिक्स्थ पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट करेंगे इसमें हम, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में इसी टाइप से गिवन किया है इसने, क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, कह रहा है कि फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी और प्लस बी स्क्वायर और माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब क्या करें इसमें, देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ आइडेंटिटी वगैरह लग रही हो इसमें, तो देखो फोर ए बी स्क्वायर स्क्वायर वाली वैल्यू से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कहीं ना कहीं। यस बन रहा है हमारा, कैसे कि अगर हम क्या करें इसको टू ए होल स्क्वायर, यहाँ पर फोर ए बी को हम टू ए बी भी लिख सकते हैं वैसे तो, कैसे टू इंटू ए, इसको अगर हमने ए माना है और इसको हमने बी माना है, और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर फोर एक्स को क्या लिख सकते हैं टू एक्स का होल स्क्वायर। अब इन पार्ट्स को देखो आप, ये क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस ये टू एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी,
ओके ये लिख सकते हैं। तो 2a माइनस बी प्लस 2x, 2a माइनस बी माइनस 2x, ये कर सकते हैं इसमें सिंपल हम। ये हो गया अब हमारा पार्ट। तो अब क्या हम इससे आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं? नहीं, इससे आगे हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें यहीं छोड़ना होगा। ये इसके फैक्टर होंगे हमारे 2a माइनस बी प्लस 2x, 2a माइनस बी माइनस 2x। तो हमें कैसे पता चलता है कि फैक्टर आ गए? कि जब दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ जाएं और ब्रैकेट के अंदर आने के बाद उनके बीच में कोई साइन ना दिखे। कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई साइन है, तो इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो ये करना है आपको सिंपल इसमें। तो ऐसे इसका एट्थ पार्ट है हमारा, एट्थ पार्ट में है 2a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2, 2a माइनस 3 और ये a माइनस 1 और फिर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसमें क्या करें हम? इसमें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसमें स्क्वायर स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। क्या ये 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है? ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। कैसे बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर? ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये 2ab, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। ये 2ab है, ये a, ये b, इसको a और इसको b माना था हमने सिंपल। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम a माइनस बी माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस 2ab है तो इसलिए माइनस का होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2a माइनस 3 माइनस ए और प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ आप कह रहे हैं 2a माइनस ए, 2a माइनस ए कितना हो जाएगा a और माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे a माइनस बी, a माइनस 2 और a माइनस 2, ये इसके फैक्टर हो गए। सिंपल सी बात है ये तो हमारी। ये हो गया हमारा एट्थ क्वेश्चन सिंपल। ओके नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम, क्वेश्चन नंबर है नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी है इसमें, यस नाइन्थ भी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके ठीक है। फिर माइनस में, माइनस में फाइव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यस माइनस बी स्क्वायर है। फिर माइनस 24 और फिर क्या गिवन किया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करें इसका? देखो अब तो इसमें ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर की वैल्यू लें तो ये 2ab तो कभी भी नहीं आएगा हमारा, ये कभी भी नहीं आएगा 2ab। अगर हम लेते हैं आ जाएगा या नहीं आएगा? क्योंकि 24 तो किसका स्क्वायर होता भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है हमारा। तो अब इसमें देखो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम इसका। कैसे? देखो आप ध्यान से, अगर आप देखो, अगर आप इसमें a प्लस बी को क्या मान लेते हो? एक वैल्यू ऐड कर लेते हो m, ठीक है। तो a प्लस बी के फॉर्म में अगर ये क्या हो जाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, तब क्या होगा? देखो जैसे हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फाइव ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी और माइनस 24 इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो अगर हम इसे लिखते हैं a प्लस बी की फॉर्म में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, तो अगर हम a प्लस बी को एक क्या लें? वेरिएबल लें और सभी वैल्यू कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करें, तो ऐसे समझ सकते हो कि लेट कर लो आप a प्लस बी को क्या, लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू m या x लेट कर लो। x लेट किया तो जहाँ कहीं पर भी a प्लस बी है वहाँ पर x कर लो, इसके साथ x आ जाएगा। पहले हम a माइनस बी रख लेते हैं तो फिर हम x और यहाँ पर माइनस 24 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स और ये बिना एक्स वाली टर्म, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू लेंगे 24 a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करने पर, माइनस करने पर क्या है 5 a माइनस बी आए। तो बताओ क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं इसके? क्या इसके ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि माइनस करने पर इस 24 के ऐसे फैक्टर के माइनस करने पर 5 a माइनस बी आए? तो ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। कैसे? कि अगर हम इसे लिखें क्या 6 12 2 जा 24 होते हैं, एक तो एक होते हैं 8 3 जा 24 और 8 माइनस 3 करोगे अगर आप इसको, अगर आप लिख देते हो क्या इस 5 a माइनस बी को, क्या लिख सकते हैं 8 a माइनस बी
और -3a - b। अब आप इसे सोल्व कर लेना तो क्या मिलेगा आपको, ये 5a - b मिलेगा, 5a - b, 8a - b में से 3a - b बचेगा तो 5a - b बचेगा, इनटू में एक्स और माइनस, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24a - b का होल स्क्वायर। और यही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यही होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। तो बस अब हम इस एक्स को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इंडिविजुअल। देखो ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा, ओके। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पर हमारा, इस पर भी हमने कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है और इसकी डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है अलग से, अगर आपको देखना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th 12th आपको हमेशा मैथ्स में यूज़ होता ही रहेगा ये हमारा, तो इसलिए इसको तो आपको अच्छे से सीख लेना है, ओके। तो इसके सीख करने के लिए आपको लिंक चैप्टर एक तो 5 है हमारा फैक्टराइजेशन, इसको कंप्लीट करना है, इसकी फोर्थ एक्सरसाइज है शायद, थर्ड या फोर्थ, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को डिस्कस किया हमने और इसकी अलग डिटेल वीडियो हमने बनाई है, उसको भी देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देख लेना एक बार तो और भी क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे ओनली, तो यहाँ बचेगा एक्स और माइनस में 8 और a - b। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे अब, 3 कॉमन नहीं आ रहा, अच्छा यहाँ 24 है, 2 लिख लिया हमने, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, यस 3 8 24, a - b कॉमन आ रहा है, यस a - b भी कॉमन लेंगे, x तो कॉमन आएगा नहीं, तो बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पर x और माइनस 3 8 24, तो 8 बचेगा, a - b से a - b कैंसिल होगा, तो सिर्फ ओनली a - b बचेगा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से फिर ये कॉमन लेते हैं, जब कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारा दोनों में से ये कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन लेंगे अगर हम क्या, एक्स माइनस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8a और माइनस माइनस प्लस 8b ये आएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर, एक्स प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3a - 3b ये बचेगा हमारा, और ये ही इसका क्या आएगा, फैक्टर आएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा है क्वेश्चन ये हमारा, लेकिन आपको कुछ इसी टाइप से इसको करना होगा, ये इसके क्या हो गए हमारे फैक्टर हो गए, ओके। तो ये फैक्टर आ रहे हैं इसके हमारे एक्स माइनस 2a + 2b और एक्स प्लस 3a - 3b, लेकिन इसमें और भी कुछ दिखा रखा है कि क्या, कि एक्स की वैल्यू अभी हमारी क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्स हमने किसको माना था, a + b को माना था, तो a + b पुट करेंगे इसमें, a + b पुट करेंगे अगर हम a + b एक्स के प्लेस पर, तो यहाँ हो जाएगा 8a + 8b, और फिर एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, a + b, क्योंकि एक्स हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू a + b है, एक्स को यहाँ से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमें, तो a - 8a 7a हो जाएगा, और b + 8a 9b हो जाएगा, तो पहले हम 9b लिख लेते हैं और फिर माइनस का 7a, इसमें a 3a 4a हो जाएगा, b - 3b माइनस का 2b हो जाएगा, कॉमन ले सकते हैं 2 इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 9b - 7a तो ऐसे रहेगा, और इसमें से 2 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 2a - b, ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका, ओके। तो ये करना होगा इसमें हमें, तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या आएंगे, 2 9b - 7a और 2a - b, इस टाइप से करना होगा आपको ये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th है ये हमारा, 41 का ही 9th पार्ट है हमारा, अभी क्वेश्चन नंबर 41 ही चल रहा है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 10th वाले को देखते हैं, इसके 10th वाले पार्ट में क्या है, इसमें 10th वाले में है a² + a² + 1 होल में ब्रैकेट में है, फिर b² - b^4 है, और फिर ये a² है। क्या करें इसका, अब कैसे फैक्टराइज करें, ये वाला तो अलग फैक्टर बनना है, इसमें से क्या कुछ, इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आएगा, इसमें a² - b² वो भी नहीं यूज़ हो रहा है इसमें, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेंगे तो प्लस ले सकते हैं हम, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले b² को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा, a² b² + b² - b^4 और -a² अब देखें कॉम्बिनेशन, अगर हम लेते हैं a² b² और a² को, इसमें से a² कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, b² - 1 बचेगा, इनमें से b² कॉमन ले लेते तो b² - 1 बचेगा, हो गया बस। तो हमारा तो हम क्या करते हैं, इसमें से a² b² और इसमें से a² - a² प्लस ये b² - b^4, इन दोनों में से a² कॉमन लेंगे
तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस वन, और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा वन माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ बी स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ वन माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें से माइनस साइन और कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सिंपल। तो बी स्क्वायर माइनस वन, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया तो इसे माइनस बना देगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वन। बी स्क्वायर माइनस वन यहाँ से कॉमन लेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखो हम अगेन क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो इसमें लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर इसमें भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसके कंप्लीट फैक्टर हो जाएंगे। तो ये करना था हमें, क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया हमारा। 42 करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 42 में भी फैक्टराइज ही करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है इसका, गिवन क्या है, 3 2x माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस 9 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारे पास। इसको करेंगे अगर हम, क्या होगा ये हमारा 3 2x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 9 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे इसको अगर हम, क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 होल क्यूब 2, इसमें से कॉमन ही आ रहा है 2x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है, जो छोटी पावर होगी दोनों में वो कॉमन आएगी हमारी। तो बचेगा क्या, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2x माइनस वाई, फिर 3 भी, वैसे 3 भी कॉमन आ रहा था, 3 भी कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से 3 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2x माइनस वाई बचेगा और यहाँ पर बचेगा 3 ओनली 3, क्योंकि 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो कंप्लीट हम कॉमन ले चुके हैं। तो बस हमारा तो ये फैक्टर हो गया 2, ये हो गया 3, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 2x माइनस वाई प्लस 3, ये फैक्टर बस हमारा। तो ये हो जाएंगे हमारे, इसके फैक्टर हो जाएंगे सिंपल ऐसे। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम, सेकेंड पार्ट है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी, ओनली बी है, माइनस ए बी और माइनस ए। देखें इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से ए को बना रहा है तो ए माइनस बी बच रहा है और यहाँ बी माइनस ए बच रहा है, तो बस इनको भी यहाँ ले लेंगे कॉमन। इन दोनों में से देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी को एक साथ और प्लस बी और माइनस ए को एक साथ, इन दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो बचेगा ए माइनस बी, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम क्या, 1। क्यों, क्योंकि जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू तो प्लस की हो जाएगी और प्लस का बी माइनस का हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो उस बात को, क्योंकि अगर हम प्लस का 1 कॉमन लेते तो बी माइनस ए आता, हमें बी माइनस ए नहीं चाहिए, हमें ए माइनस बी चाहिए, तो इसलिए हमने माइनस का 1 कॉमन लिया। अब ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए माइनस 1, हो गया ये हमारा सिंपल, हो गए इसके फैक्टर ऐसे। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर, थर्ड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1/x² और प्लस 2 है, फिर -5x और -5/x, ये गिवन किया हमें। तो इसको भी हम इसी टाइप से सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab जब हम करते हैं तो x/1/x कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ना ये बना रहा है क्या, x+1/x का होल स्क्वायर। करके देख लेना आप कि x+1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो यही आता है x²+1/x² प्लस 2ab जब करेंगे तो x(1/x) करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा तो यही आता है। ऐसा हमने कंप्लीट चैप्टर में बहुत बार किया है। तो हम इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे, -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x+1/x, माइनस साइन कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज हो गई, इसका भी माइनस का साइन प्लस का हो गया, इसका भी माइनस का साइन प्लस का हो गया। अब दोनों में से x+1/x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x+1/x कॉमन और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+1/x और -5। ओके, ये बचेगा सिंपल हमारा और यही क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे हमारे। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे इसमें हम, इसके फोर्थ पार्ट में क्या गिवन किया हमें, फोर्थ में किया गिवन क्या, 1-2x-3y का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, कैसे, माइनस साइन है ही बीच में, यहाँ 2x-3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसे 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसमें a प्लस बी माइनस बी लगा देंगे, a प्लस बी, लेकिन जब हम a माइनस बी करेंगे तो ध्यान रखेंगे माइनस साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का साइन माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस का। तो बस इसके तो यही फैक्टर होंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, 1 प्लस
टू एक्स माइनस थ्री वाई और वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर सिंपल। फोर्थ हो गया हमारा पार्ट। फिर फिफ्थ पार्ट है हमारा एक्स एक्स माइनस ए वाई वाई माइनस ए, एक्स एक्स माइनस ए माइनस वाई और वाई माइनस ए। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? एक्स माइनस है, कुछ भी नहीं है कॉमन। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए, वाई को वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई ए। ओके, अब पेयर बस चेंज करेंगे, इसका इसके साथ था तो इसको किसी दूसरे के साथ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का एक साथ माइनस एक्स ए प्लस वाई ए। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ए कॉमन ले सकते हैं। माइनस का क्या, हम माइनस का ही कॉमन लेंगे, माइनस का ही कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस का हो जाएगा और वाई माइनस का, तो ये लेंगे माइनस का ही कॉमन। साइन चेंज हो गए इससे हमारे, बस अब हमें एक्स माइनस ए दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में से एक्स माइनस ए कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स माइनस वाई दोनों में से कॉमन लेंगे। इसके पास एक्स प्लस वाई रह जाएगा और यहाँ पर माइनस ए बचेगा। सिंपल ये हो गया हमारे इसके फैक्टर, ये क्या है हमारा माइनस साइन है, ये इसके फैक्टर हो गए सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई और प्लस एक्स वाई माइनस फोर, क्या देखो इसमें क्या ले सकते हैं, हम इन दोनों में से कॉमन है कुछ नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो मिलेगा हमें एक्स, कॉमन बचेगा एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में से फिर कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ये टू वाई है हमारा, तो ये हमारा टू वाई रह जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ माइनस भी आ रहा है हमारा, इनका कुछ रिलेशन बन रहा है, इन दोनों में से कुछ रिलेशन बन रहा है कि वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टू प्लस एक्स बचेगा, और फिर यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो देखो हमारा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर को एक साथ ले लें और माइनस टू वाई प्लस एक्स वाई को एक साथ ले लें। इन दोनों को हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि फोर को लिख सकते हैं टू का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, और माइनस इन दोनों में से वाई कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का वाई कॉमन लिया तो प्लस का टू हो जाएगा माइनस का एक्स। तो टू माइनस एक्स है यहाँ पर कहीं, टू माइनस एक्स है नहीं है, लेकिन एक्स माइनस टू जरूर है, तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा हमें अगेन, या तो हम प्लस का ही साइन कॉमन ले लेते पहले ही, माइनस साइन फिर कॉमन लेंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस टू। अब दोनों में से एक्स माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से एक्स माइनस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस टू और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस टू और प्लस वाई। ओके, तो ये हो गया हमारा x माइनस टू और प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा सिक्स पार्ट है इसका, x माइनस टू और x प्लस टू प्लस वाई। सिंपल ही था ये भी हमारा, इसका सेवन्थ पार्ट करेंगे अब हम। सेवन्थ पार्ट है हमारा क्या कि 32 a टू द पावर 4 और फिर माइनस है फिर 8a टू द पावर 2। इस टाइप का भी क्वेश्चन है, बीच में माइनस साइन पावर कुछ बड़ी सी मिले आपको तो हमेशा पहले कॉमन लेने की कोशिश करना, जैसे 8 4 32 होते हैं ना, यस 8 4 32, तो 8 कॉमन ले सकते हैं सबसे पहले तो हम, तो 8 कॉमन लेंगे। और कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, यस ए स्क्वायर भी तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 to the power 4 a² तो 8 to the power 2 दोनों में कॉमन आ सकती है। बचेगा क्या यहाँ पर, 8 4 32 और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा ओनली 8a² कॉमन ले तो 1। बस अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगेन भी फैक्टर कर सकते हैं अभी हम, वैसे तो फैक्टर ये भी आ गए हमारे, लेकिन इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं तो और करेंगे। जैसे इसको लिख सकते हैं 2a² और माइनस 1 को 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें यूज़ कर सकते हैं हम a प्लस बी ए माइनस बी, तो यूज़ करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। और देखो ये जो हम a प्लस बी ए माइनस बी कहते हैं, आप a माइनस बी पहले भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a माइनस बी a प्लस बी भी लिख सकते हो। ओके, तो बच्चे को कोई कोई कन्फ्यूज़ भी रहता है कि हमेशा a प्लस बी लेना है कि पहले, नहीं आप a माइनस बी भी ले सकते हो, बाद में a प्लस बी भी ले सकते हो। सिंपल ये सेवन्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। ये क्या है सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, ये सेवन्थ क्वेश्चन में 8a² 2a+1 और 2a-1। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, एट्थ पार्ट है हमारा। एट्थ पार्ट में 2a ब्रैकेट में a + ab + cd
ए बी सी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। ओके ये हमारा, इसमें देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो ये टू ए प्लस बी इनमें से कॉमन लेगा, कुछ ऐसा बना सकते हो? नहीं बना सकते। और हम इसे ध्यान से देखें तो सभी पर स्क्वायर है, और यहाँ पर टू ए बी, ए बी आ रहा है, सी डी, फिर टू सी डी, सी डी भी आ रहा है, तो इसमें होल स्क्वायर बन जाएंगे दोनों को। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सोल्व कर लेंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू ए बी, फिर यहाँ टू सी डी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या करेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और टू सी डी एक साथ ले लेंगे, देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू सी डी एक साथ, फिर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और ये प्लस का टू ए भी एक साथ लेंगे। नाउ इसको लिख सकते हैं सी प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए भी, और इसे लिख सकते हैं हम, ये हो गया सी प्लस डी का होल स्क्वायर और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ अब हम इसे अगेन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी, वैसे तो हम इसे बिना ब्रैकेट लगाए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि नेक्स्ट स्टेप में इसमें ब्रैकेट हटाएंगे, फिर माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। तो c प्लस डी मतलब ये a, ये माइनस बी। ओके तो बस ये हो गया हमारा सिंपल, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये सी प्लस डी प्लस साइन, अगर बाहर होता है तो अंदर वाले पर कोई चेंज नहीं आता, अंदर वाले सेम रहते हैं यहाँ पर c प्लस डी, लेकिन बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, a प्लस का था माइनस का हो जाएगा, अभी माइनस का b था प्लस का b हो जाएगा। बस हो गया ये हमारा, तो ये हो गया इसका एट्थ पार्ट, हमारा एट्थ पार्ट हो गया हमारा इसका सिंपल। नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका अब, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें हमारा, नेक्स्ट हमारा नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ में क्या है, गिवन क्या है इसने, वन माइनस ए स्क्वायर और वन माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी, क्या करें इसमें अब हम ध्यान से देखें, अगर हम इसमें तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वन की वन में वन, वन की बी में माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन माइनस ए स्क्वायर की वन में करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी। अब क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर फोर ए बी आ रहा है, फोर ए बी आ रहा है, अगर हम इसे टू ए बी लेके इसके ए बी के साथ इसका होल स्क्वायर बना दें, ठीक है, ए बी के साथ इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखें अगर हम इसे ध्यान से, तो वन प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसमें से एक टू ए बी, इसे टू ए बी प्लस टू ए बी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक टू ए बी इसके साथ और एक टू ए बी इसके साथ लिख लेंगे, क्योंकि टू ए बी टू ए बी फोर ए बी होगा, लेकिन ये वाला पार्ट और इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो इसमें से अगर हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या, ये ए बी का होल स्क्वायर, इसे ये लिख सकते हैं, और माइनस इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस ए बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बस इसको अगर अगेन हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए ए की वैल्यू ये है प्लस बी, बी की वैल्यू ये है, लेकिन जब हम इसको माइनस में लिखेंगे ए और माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का बी आएगा और माइनस प्लस, माइनस प्लस का ए आएगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से करना है कि इसमें मिस्टेक ना हो हमारी। ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हो गया, वन प्लस ए, ए बी प्लस ए माइनस बी, वन प्लस ए बी माइनस ए और प्लस बी। ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। देखो इसका आंसर ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर आप ए स्क्वायर और इसे इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, इसको ए को पहले बी को बाद में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे, तो अगर हम इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो बस यहाँ पर ए और ये बी चेंज हो जाएंगे, और बी चेंज हो जाएंगे। ओके तो आंसर ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइन टेंथ क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर।
ये क्वेश्चन गिवन किया और ये तो डायरेक्ट गिवन कर दिया हमें। देखो इसमें तो हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा स्क्वायर में है ही ऑलरेडी, ये तो हमारा स्क्वायर में है ही ऑलरेडी, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2xy का होल स्क्वायर कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे आप ये मिलेगा। तो बस इसमें आप क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू है हमारी, ये ए की वैल्यू है, प्लस बी क्या है हमारा, ये 2xy, और फिर ए की वैल्यू ये है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और माइनस 2ab कर देंगे यहाँ पर, 2xy, सिंपल ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th हमारा। नेक्स्ट करते हैं, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं हम, कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो आगे सोल्व कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं हम, इन तीनों पार्ट को लिख सकते हैं हम, क्या इसको लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये माइनस 2xy, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर माइनस जेड स्क्वायर, फिर अगेन हम अगर इसको लिखें हम, ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके ये हो जाएगा हमारा 10th पार्ट। नेक्स्ट है फिर इसका 11th पार्ट है हमारा, 11th में का आया 8 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y और माइनस 1, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पर 6x प्लस 4y और माइनस कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ देखो, इसमें सिंपल हमें दिख रही है क्या, कि अगर इसमें से हम क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ माइनस का 2y, क्योंकि हमने माइनस का 2 कॉमन लिया, इसलिए इसके अंदर वाले साइन चेंज हो गए। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, कैसे 3x माइनस 2y होल स्क्वायर को अगर हम एक वैल्यू मान लें, एक वेरिएबल मान लें, m मान लें, x मान लें, तो ये किस टाइप से है, ये 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से 8 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 2y, 8 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 2y क्या होंगे, 8 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 2y। देखो इस वाली वैल्यू को एक कंप्लीट वैल्यू मानो, जैसे मान लेते हैं पूरी वैल्यू a है, ओके वैसे हम इसे ऐड करके जैसे पहले किया था ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, 8 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, तो 4 2 8 इस टाइप से लिख सकते हैं इस 2 को, और बाहर ये जैसे हम x पहले छोड़ देते बाहर, ऐसे ही बाहर रहेगा हमारा। अब सिंपल हम क्या करेंगे इसमें, 8 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 2y में हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस 2, और इसमें हो जाएगा ये 3x माइनस 2y और ये माइनस 1। अब इन दोनों में से देखो कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2y और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे और 3x माइनस 2y कॉमन लेंगे, तो इसके अंदर क्या बचेगा, इसके पास 4 2 8 सिर्फ 2 बचेगा और ये 3x माइनस 2y भी बचेगा, 3x माइनस 2y भी बचेगा, ओके माइनस इसमें से 4 3x माइनस 2y कंप्लीट कॉमन ले लिया था, ओनली 1 बचेगा, प्लस इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा और बिल्कुल सेम वैल्यू यहाँ भी बचनी चाहिए हमारी, तो हम प्लस 1 कॉमन लेंगे और इसको लिख देंगे 2 3x माइनस 2y और माइनस 1, ओके अब 2 3x माइनस 2y 2 3x माइनस 3y माइनस 1 इसको कॉमन लेंगे हम, 2 3x माइनस 2y माइनस 1 कॉमन लिया दोनों में से, इन दोनों में से ये वैल्यू कॉमन आ गई हमारी, तो बचेगा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 3x माइनस 2y और प्लस 1, चाहे तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 2 3 6x माइनस 2 2 4y माइनस 1 और यहाँ 4 3 12x माइनस 4 2 8y और प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल, 27 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस 6 माइनस 2xy, इसमें देखो ये बन रहा है हमारा 3 का होल क्यूब और ये बन रहा है x माइनस xy का होल क्यूब, प्लस इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 3 माइनस xy, और देखो इसको अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हैं तो a माइनस बी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी करेंगे तो 3 इंटू xy हो जाएगा
और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में टू थ्री माइनस एक्स वाई, थ्री माइनस एक्स वाई दोनों में से कॉमन लेंगे, थ्री माइनस एक्स वाई तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ बचेगा नाइन प्लस थ्री एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस वन, वन बचेगा टू बचेगा, सिर्फ थ्री एक्स माइनस थ्री थ्री माइनस वही तो कॉमन लिया हमने एक्स वाई, तो टू बचेगा हमारा, ये सिंपल हो जाएगा और इसको लिख देंगे हम थ्री माइनस एक्स वाई और ब्रैकेट यहाँ पर नाइन प्लस टू इलेवन, इलेवन लिख सकते हैं लास्ट में भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से थ्री एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नाइन और प्लस टू इलेवन। ओके ये हो गया हमारा सेवन्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में भी फैक्टराइज करना है आपको। 43 का फर्स्ट पार्ट है, ये भी कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे ही लग रहा है। देखो इसमें होल स्क्वायर बनना है यहाँ पर, यहाँ 14x प्लस 7 बाई आ रहा है और माइनस 18 है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही पार्ट है। देखो कैसे ये 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो यहाँ बन रहा है, मतलब ये इसको एक कॉन्स्टेंट है, अगर इसमें से हम क्या ले लें, हम कॉमन ले लें 7, तो यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसे ही बनेगा हमारा 2x माइनस वाई, तो ये 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब हम क्या करेंगे 18 के फैक्टर माइनस करने पर 7 आए, तो बताओ 18 के फैक्टर माइनस करने पर 7 आए क्या होंगे, 18 के फैक्टर माइनस करने पर 7 आए तो 9 2 18, तो 9 2 18 होंगे, 9 2 करेंगे 7 भी आएगा, ब्रैकेट के बाहर 2x माइनस वाई एज इट इज़ लिख देंगे सिंपल, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x माइनस वाई की, और माइनस माइनस प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x माइनस वाई की, और माइनस 18। नाउ अब हम कॉमन लेंगे इसमें से क्या 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई कॉमन लिया दोनों में से, इसके पास क्या बचेगा 2x माइनस वाई और माइनस क्या बचेगा 9, और प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे अब हम, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 2 कॉमन आ रहा है ओनली, तो बचेगा 2x माइनस वाई और माइनस 9, दोनों में से 2x माइनस वाई कॉमन लेंगे, 2x माइनस वाई और माइनस 9 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 2x माइनस वाई प्लस 2, ये सिंपल इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा इसका सेकंड पार्ट, कह रहा है कि 98 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, टू अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, देखो सबसे पहले कॉमन ही लेते हैं, तो कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, बचेगा 49 a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 1 बस, तो ये तो हो गया हमारा 2, क्यों इसको लिख सकते हैं हम क्या 7a प्लस बी, और इसका भी हम क्या लिख सकते हैं इसे होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके तो अब इसको अगर हम इसको a मान रहे, इसको b मान रहे, तो a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे, a प्लस बी और a और माइनस बी बस, इसको सिंपल हम 2 को बाहर रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे हम 7a प्लस 7b प्लस 1, ऐसी रहेगा 7a प्लस 7b और माइनस 1, हो गया ये बड़ा हमारा सिंपल। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा इसका, क्या कह रहा है इसमें थर्ड पार्ट में कि 81x4 माइनस 16y4 क्या कर सकते हैं इसे, तो इसे पावर 4 है तो इसे पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे कैसे, इसे लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, ठीक है इसे 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, इसका मीन्स ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएंगे हमारी ऊपर वाली। अब इसमें लगा देंगे a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b और a माइनस b, लेकिन देखो प्लस में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, लेकिन माइनस में अगेन हम यूज़ करेंगे ये क्या a² - b² यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9x² + 4y² और यहाँ अगेन यूज़ होगा a + b a - b a + b और a - b, इसके बाद भी अगर यूज़ हो रहा होता है तो हम करेंगे, लेकिन अभी ये यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं बन रहे हमारे। ओके तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट है यहाँ पर इसका, फोर्थ पार्ट करते हैं, कह रहा है कि 2a + b का होल क्यूब माइनस a
प्लस 2b का होल क्यूब, दोनों में क्यूब क्यूब लगा हुआ है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देंगे डायरेक्ट हम। कैसे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ओ ए माइनस बी, ए माइनस, जब लगाएंगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस साइन सारे साइन चेंज करेगा, ए अगर प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2a तो माइनस का, प्लस का 2b है तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर, ये होगी हमारी वैल्यू, फिर प्लस 2ab, और 2ab नहीं ab, सिर्फ ab होता है हमारा, तो ab करेंगे तो ये ab करेंगे तो 2a प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे होगी? ए प्लस 2b से, और फिर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 2b का होल स्क्वायर। ओके, अब हम करेंगे इसमें, इसको सोल्व करेंगे, 2a माइनस ए बी माइनस 2b माइनस बी, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा ये हमारा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब 4a² बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब करेंगे तो 2 इंटू 2a प्लस 2b तो हो जाएगा 4ab। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस ए 2a² 2a प्लस 2b, 2 2 से 4ab, b की a में करेंगे तो ab, और b की 2b में करेंगे तो प्लस 2b² बची नीचे वाली वैल्यू, इसका भी कर देंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2b है तो ये जाएगा 4b², और फिर 2ab करेंगे तो 2 2 से 4ab हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे बस हम, तो जाएगा a माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा 4a² ए स्क्वायर, ये रहा हमारा 2a² और ये ए स्क्वायर, तो कितना होगा 4 2 6 और 1 7, तो जाएगा 7a², ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये भी 7b², ये सोल्व हो गई, फिर 4ab और 4ab 8ab और 8ab 9ab 9ab और ये 4 13ab, तो ये कितना हो रहा है हमारा 13ab आ रहा है, ये हो गया हमारा सिंपल, तो इसके फैक्टर हो गए ये हमारे। ओके, ये करना है आपको इसके फोर्थ पार्ट में, और उसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसमें फोर्थ ही पार्ट है हमारे। ओके, तो यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन वाला जो हमारा रिवीजन चल रहा था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू।